ग्वालियर चंबल अंचल में इस समय राजनीति में खलबली मची हुई है और इसका कारण है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अंचल में सिंधिया की बढ़ती सक्रियता के कारण अब बीजेपी के नेता परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। हालांकि अब पार्टी के कार्यक्रम में बीजेपी के कई पुराने दिग्गज नेता गायब होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अब लगातार ग्वालियर अंचल से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है गृह मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में सिर्फ अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। यही वजह है कि शहर में हर छोटे से बड़े कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी दर्ज की जा रही है। लेकिन सिंधिया की बढ़ती सक्रियता के कारण अब बीजेपी भी लगातार एकजुट होती नजर आ रही है। अभी हाल ही में ग्वालियर के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अचानक प्रोग्राम निर्धारित किया और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वो 5 घंटे तक ग्वालियर में मौजूद रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि सिंधिया समर्थक और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो वहीं जब इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने क्या तर्क पेश किए, जरा आप भी सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पूरी सक्रियता से मध्य प्रदेश और ग्वालियर के विकास के लिए सक्रिय है। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल संगठन है कि इसके कार्यक्रमों और कार्यक्रमों में अंतर देखना चाहिए। जब एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं तो वो प्रशासनिक दौरे पे ग्वालियर के विकास कार्यों को देखने के लिए भ्रमण पे होते हैं। दूसरी ओर जब सिंधिया जी आते हैं तो वे बूथ विस्तारक योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आते हैं। तो ये तो प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कामदार हैं और पूरी मेहनत से मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में बदलाव करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन भैया अभी देखने में ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से सिंधिया जी को जब आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए आईजी डीआईजी शहर से दूर और शहर से बाहर उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। देखिए, ये कोई मुझे लगता है कि बड़ा इग्नोरेंस वाला विषय है। चूंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, वे एक क्षेत्र में उनकी जो सिक्योरिटी लेवल मिला है वो उसके लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरा करते हैं। इससे ज्यादा इसके मायने निकालने की कोई और आवश्यकता नहीं है। तो वहीं सिंधिया और बीजेपी नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी जग जाहिर होते ही कांग्रेस ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि अब सिंधिया प्रकोप से प्रताड़ित बीजेपी में दंगल चल रहा है और आने वाले समय ज्योतिरादित्य के कारण बीजेपी का संगठन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। क्या कहना है? देखिए, जो ग्वालियर चंबल की भाजपा है वो जिस प्रकार से मेले में आपने देखा होगा दंगल होता था, अब मेले का दंगल बंद इसलिए हो गया है कि अब दंगल जो है भाजपा में प्रारंभ हो गया है, स्थापित लीडर और इम्पोर्टेड लीडर्स के बीच में। और सारे के सारे भाजपा के लीडर, भले ही वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, शिवराज सिंह जी हों, सारे के सारे सिंधिया जी के प्रकोप से प्रताड़ित है अभी। और आप देखिए कि पहले यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, उनके साथ शिवराज सिंह जी आते हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, दूसरे ही दिन सिंधिया जी को बर्दाश्त नहीं होता और दूसरे दिन दोबारा से बिना किसी योजना के वो दौरा तय करते हैं। और पूरा का पूरा प्रशासन, जैसा कि सबको पता है, आज महल में गिरवी रखा हुआ, बल्कि मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जो है वो भी बेसहारा हो गए हैं आज सिंधिया जी के सामने। और सारी की सारी जो राजनीतिक शक्ति है वो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सिंधिया जी में निहित हो गए। इससे सारे स्थापित लीडर जो भाजपा के वो प्रताड़ित हैं और आप आगामी समय में देखेंगे जैसे ही समय मिलेगा वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और भाजपा का जो संगठन है पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। बता दें कि सिंधिया के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। अभी हाल ही में गुना के सांसद केपी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर ज्योतिरादित्य और उनके समर्थक मंत्री और विधायकों की शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि सांसद होने के बाद भी उन्हें कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, शिला पट्टिका पे भी नाम नहीं लिखा जाता। पत्र का वायरल होना इस बात की ओर इशारा करता है कि सिंधिया के बीजेपी में आने से पार्टी में जमीनी स्तर पर भी कई बदलाव आए हैं। ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।